हरे कृष्णा। नववर्ष के हार्दिक शुभेच्छाएं आप सबको। हम जब नववर्ष शुरू होता है तो हम सब चाहते हैं कि नए वर्ष में हमारा जीवन और अच्छा हो और उसके लिए हम खुद अच्छे बने, इसलिए हम कई बार न्यू ईयर रेजोल्यूशंस लेते हैं। तो आज हम भगवद्गीता के आधार पर देखेंगे कि किस तरह से जो हम रेजोल्यूशंस लेते हैं, संकल्प लेते हैं, वो और सुदृढ़ बना सके, जिससे कि हम वास्तव में स्थायी रूप से खुद को परिवर्तित कर सके सकारात्मक रूप से। तो जैसे न्यू ईयर के समय हम दूसरों को कार्ड भेजते हैं न्यू ईयर विशेष का, तो हम देखेंगे हम खुद को कैसे एक कार्ड भेज सकते हैं। एक कार्ड जो है ये एक एक्रोनिम है, CARD। चार चीजें भगवद्गीता के माध्यम के मार्गदर्शन के अनुसार अगर हम करेंगे तो हमारा संकल्प और सुदृढ़ बन सकता है। तो पहला सी है कंटेम्पलेशन। कंटेम्पलेशन मतलब चिंतन। तो भगवद्गीता में बताया गया है कि हमारा जो मन है बड़ा चंचल है, अगर मन को स्थिर करना है तो हम हमारे बुद्धि का इस्तेमाल करके चिंतन करना चाहिए। तीसरे अध्याय के 43वें श्लोक में भगवान कहते हैं, एवं बुद्धे परम बुद्ध्वा समस्तभ्यात्मानमात्मना, कि हम हमारे बुद्धि का इस्तेमाल करके खुद को अपने आत्मा के स्तर पे स्थित कर सके। ऐसे करेंगे तो क्या होता है, तो हम चिंतन कर सकते हैं कि भविष्य में मेरे लिए क्या आने वाला है। अगर कोई सकारात्मक आदत मैं अपने जीवन में अमल करता हूं तो उससे मेरा जीवन कैसे इंप्रूव होगा, और कोई बुरी आदत है उसे अगर मैं नहीं छोड़ूंगा तो वो मुझे कहां ले जा सकती है, किस हद तक गिरा सकती है। भगवान कहते हैं भगवद्गीता के 18वें अध्याय में 30वें श्लोक में कि जो बुद्धि भविष्य को देख सकती है, प्रवृत्तिम च निवृत्तिम च कार्याकार्ये भया भये बंधम मोक्षम च यावेत्ति, बुद्धि सापार्थ सात्विकी। भविष्य को देखती है, भविष्य में क्या अच्छा हुआ क्या बुरा होगा। अगर मान लीजिए हम रोज 15 मिनट भगवद्गीता पढ़ने लगते हैं या ऐसा कोई शास्त्र अच्छा ग्रंथ पढ़ने लगते हैं हम, तो क्या होगा, 15 मिनट ज्यादा समय नहीं पर रोज पढ़ेंगे तो एक साल में शायद हम 2 बार पूरी भगवद्गीता पढ़ सकते हैं। कितनी सारी चीजें जो हम पढ़ना चाहते हैं हम पढ़ सकते हैं। अगर हम थोड़ा रोज आधा घंटा सोशल मीडिया पे, टीवी पे, गॉसिप में, प्रजल में व्यर्थ गवा रहे तो आधा घंटा ज्यादा समय नहीं लगेगा, पर आधा घंटा अगर 365 दिन हो जाते हैं तो फिर क्या होता है, वो लगभग 180 घंटे होते हैं। तो इतने सारे समय हम क्या क्या नहीं कर सकते। इस तरह से चिंतन करने से हम क्या करते हैं, हमारा मन चंचल है पर अंदर से बुद्धि के द्वारा मन पे हम स्थिरता ला सकते हैं। फिर दूसरा है कार्ड एक्रोनिम में ए, एसोसिएशन। तो हमारे मन को स्थिर करने के लिए न केवल हमको अंदर से थोड़ा जोर लगाना है पर बाहर से भी एक सकारात्मक प्रभाव लगाना है, वो है संघ से आता है, सत्संग से। ये एसोसिएशन जो है वो 3 तरह से हमें मदद कर सकता है। अगर वो हमारे समान जैसे ही लोग हैं जो भी हमारे साथ वैसे वही आदत डालना चाहते हैं, वही आदत छोड़ने का प्रयास कर रहे हैं, तो फिर वो हमारे मित्र, वो हमारे पीयर्स, वो हमारे अकाउंटेबिलिटी पार्टनर्स बन सकते हैं। तो कभी हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं तो वो उनको करते हुए देखकर हमें प्रेरणा मिल सकती है, वो थोड़ा हमें पुश कर सकते हैं, और कभी वो कमजोर पड़ रहे हैं तो हम उनको शक्ति दे सकते हैं। उसके साथ साथ अगर कोई मेंटर्स है, हमारे कोई वरिष्ठ है तो उनको अगर हम बोलते हैं तो वो कभी कभी हमें मार्गदर्शन दे सकते हैं, कभी थोड़ा हमें पुश कर सकते हैं, और इस तरह से संघ से वो भी प्रभाव होता है। और कभी कभी अगर हम कुछ सकारात्मक कार्य करने का प्रयास कर रहे हैं तो हमारे कुछ जूनियर्स हैं उनके लिए हमें उदाहरण प्रस्तुत करना है, तो वो भी एक तरह से एसोसिएशन का सकारात्मक प्रभाव हो सकता है। दूसरे अध्याय के 62वें श्लोक में भगवान बताते हैं, संगात संजायते कामः। तो साधारणतः यहाँ पे संघ का अर्थ होता है कि आसक्ति से तृष्णा आती है, पर संघ का अर्थ होता है कि एसोसिएशन भी होता है, सत्संग भी होता है। प्रभुपाद जी बोलते हैं, इसी श्लोक को कोट करते हैं कि हम सत्संग में रहेंगे तो हमारी इच्छाएं जागृत होगी। तो खुद को इम्प्रूव करने की इच्छा है, वह भी सुदृढ़ बनाना है, तो इंटरनली इंटेलेक्चुअल स्टडीनेस, बाहर से सोशल स्टडीनेस सत्संग से हम चला सकते हैं। फिर तीसरा है जो आर कार्ड एक्रोनिम में रिट्रोस्पेक्शन। रिट्रोस्पेक्शन मतलब उसको सिंहावलोकन कह सकते हैं, कि
हम कुछ समय रुक के हमारे ही जीवन की ओर देख सकते हैं कि कभी हम यशस्वी होते हैं तो हमें गर्व होने लगता है कि मैं बदल गया हूँ, कितना अच्छा हो गया हूं मैं। और अयशस्वी हो गया होता तो हम बिल्कुल हताश हो जाते हैं, मैं निकम्मा हूं, मैं कभी सुधरूंगा ही नहीं। पर ऐसे द्वंद्वों में जाने की जगह पर हम खुद को ही एक जिज्ञासा की दृष्टि देखते हैं कि ठीक है, अगर मैं कुछ काम कर पाया तो कैसे कर पाया, काम नहीं कर पाया तो क्यों नहीं हो पाया, क्या हुआ, समझने का प्रयास कर सकते हैं। तो भगवदगीता में भगवान कहते हैं छठे छठे अध्याय के पांचवें श्लोक में कि उद्धरेदात्मनात्मानम नात्मानम अवसादयेत, कि हमें खुद का उद्धार करना है, हमें खुद की जिम्मेदारी लेनी है जिससे कि हम खुद का उद्धार कर सके, क्योंकि खुद का पतन करें। तो मतलब क्या है कि हम जब खुद की ओर देखते हैं तो हम सब खुद को समझा सकते, समझ सकते, समझा सकते, ठीक है, क्या कर सकता हूं मैं, क्या नहीं कर सकता हूं। और हमें एक तरह से देखना है कि हमारा मन एक छोटा नादान बालक के समान है, तो माता पिता सब बच्चों के साथ एक समान, उनके दो तीन बच्चे हैं तो एक समान पद्धति से सबको डिसिप्लिन नहीं कर सकते, हर बच्चा अलग व्यक्ति है। तो वी हैव टू लर्न हाउ टू हेल्प आवर माइंड लर्न, कि हमें समझना है कि मेरे मन को कैसे समझा सकता हूँ, कैसे मैं उसको स्थिर बना सकता हूँ। तो जब हम ये रिट्रोस्पेक्शन ये भाव रखते हैं कि मुझे खुद की ओर देखना है और समझना है, तो सेल्फ इंप्रूवमेंट ही नहीं होगा हमारा, हमारा सेल्फ अंडरस्टैंडिंग भी बढ़ेगा, हम खुद को समझ पाएंगे सब, और फिर उसके द्वारा हम भी समझ पाएंगे कि ठीक है, ये जो संकल्प है मेरे लिए करना मुश्किल है, ये संकल्प करना आसान है। तो कभी कभी हम जो थोड़ा आसान संकल्प है उसको पूरा करेंगे, उससे थोड़ा आत्मविश्वास हम बढ़ेगा, और फिर हम जो कठिन संकल्प है वो भी कर सकते हैं। तो ये तीसरा है रिट्रोस्पेक्शन, और आखिरी डी जो है वो है डिवोशन। भगवदगीता में भगवान बताते हैं कि हम सब उनके अंश है, ममैव वांशो जीवलोके के, तो इसका मतलब क्या है कि केवल हम ऐसे नहीं कि हम अकेले इस बड़ी बड़े बुरे जगत में जूझ रहे, युद्ध कर रहे परिस्थिति के साथ, हमारे मन स्थिति के साथ, ऐसे हम इसमें हम अकेले नहीं है, भगवान हमारे साथ है, हम भगवान के अंश है। इसका मतलब है कि भगवान की योजना में हमें भी एक अंश है, और इस भाव से जब हम कार्य करते हैं कि मैं न केवल खुद का परिवर्तन करना चाहता हूं क्योंकि मुझे अच्छा बनना है, पर मुझे भगवान की सेवा करनी है, भगवान ने मुझे क्षमताएं जो दी है, प्रतिभाएं जो दी है, उनको मुझे अच्छी तरह से इस्तेमाल करना है, आई वॉन्ट टू डू जस्टिस टू माई गॉड गिवन गिफ्ट, ऐसा भाव जब हम रखते हैं तो फिर उससे हमें और प्रेरणा मिलती है, और न केवल हमें एक ऐसा बिगर विजन मिलता है पर डीपर फाउंडेशन भी मिलता है। मतलब क्या है कि अगर कोई इमारत उसकी जो नींव है बहुत डीप जा रही है जमीन में, तो फिर तूफान भी आ जाएंगे तो भी वो टूटेगी नहीं आसानी से। वैसे ही हम एक इमारत बनाना चाहते हैं हमारे संकल्पों का, हमारे अपने जीवन का, बेहतर जीवन का, तो हमारे अंदर जब हम जाते हैं, हमारे अंदर हमारा मन है, उसके परे बुद्धि है, उसके परे आत्मा है, उसके परे परमात्मा है, तो जितना हम अंदर जाएंगे उतना हमारी स्थिरता बढ़ जाएगी, और फिर भले ही कुछ ऊपर नीचे हो जाए उससे हम ज्यादा हताश नहीं होंगे। और उसके साथ साथ हम समझते हैं कि जब हम भगवान की सेवा करने का प्रयास कर रहे हैं तो भगवान के लिए हम निमित्त बन सकते हैं, जैसे भगवदगीता में बताते हैं भगवान निमित्त मात्रम भव सव्य साची, अर्जुन को बताते हैं 11:33 में। तो उसका मतलब क्या है कि अगर हम खुद को और अच्छी तरह से परिवर्तित करते हैं तो उससे न केवल हमारा कल्याण होगा पर भगवान हमारा इस्तेमाल करके दूसरों का भी कल्याण करने में हमें उपयुक्त कर सकते हैं। तो आवर चेंज कैन हेल्प चेंज आवर कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड, कि हमारे परिवर्तन से हम दुनिया को भले ही नहीं पर हम दुनिया, हमारी जो दुनिया है, तो दुनिया का जो हमारा कोना है उसको और अच्छा बना सकते हैं। और यह सब है हमारा एम्पावरमेंट, हम और जैसे सुदृढ़ होते हैं, पर दूसरा ये भी है डिवाइन ग्रेस। भगवान बताते हैं कि परम दृष्टवा निवर्तते 259 में, दूसरे अध्याय के 59 श्लोक में, कि हम जब भक्ति से उनसे जुड़ जाते हैं तो हमें एक ऊंची दृष्टि मिलती है जिससे कि हम स्थिर हो जाते हैं। और इतना ही नहीं, वो कहते हैं युक्त आसीत मत परहा, दो श्लोकों के बाद 261 में, कि जब आप अपना मन मुझ में लगाते हो तो आपको मुझसे
एक कृपा मिलती है, प्रसादे सर्व दुखाणां हानिरस्योपजायते थे। जब भगवान से हमें कृपा मिलती है तो भगवान हमारे मन को न केवल नियंत्रित कर देते हैं पर वो परिवर्तित कर देते हैं। इसलिए डिवोशन जो है एक मैजिकल स्टेप है हमारे खुद के सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन में। तो इस तरह से ये चार चीजें हम करेंगे, हम नए हमारे नए साल के संकल्पों को और सुदृढ़ बनाने के लिए कि हम चिंतन कंटेम्पलेशन करते हैं हमारी बुद्धि के द्वारा कि ये करने से क्या कल्याण होने वाला है और ये न करने से क्या अधोगति में जाने वाला हूं मैं। एसोसिएशन ए, हम देखते हैं किस तरह से हमारे मित्रों के साथ हम एक दूसरे से प्रेरणा ले सकते हैं, अकाउंटेबिलिटी पार्टनर बन सकते हैं, हमारे मेंटर्स वरिष्ठों से हम मार्गदर्शन ले सकते हैं, हमारे जूनियर से उनको हम उदाहरण दे सकते हैं। ऐसे एसोसिएशन से हम बाह्य रूप से मन को स्थिरता ला सकते हैं बुद्धि से अंदर से, और फिर आर रिट्रोस्पेक्शन। इसके बावजूद भी अगर मन अस्थिर हो रहा है तो हम खुद के बारे में सीख सकते हैं देख कर कि क्या मेरे साथ हो सकता है अच्छा, क्या क्या मैं कर सकता हूं, क्या करना मुश्किल है मेरे लिए। वी कैन लर्न हाउ टू हेल्प आवर सेल्फ लर्न। और आखिरी डी है डिवोशन, भक्ति के द्वारा हम समझते हैं कि हम अकेले नहीं है, भगवान हमारे साथ है। भगवान चाहते हैं कि उन्होंने जो हमको भेंट दी है, क्षमताएं दी है, उसका हम अच्छी तरह से उपयोग करें। भगवान से हम संबंध जोड़ते हैं तो अंदर से एक बहुत स्थिरता आ जाती है, और भगवान से जब हम जुड़ते हैं तो हम वो हमारे द्वारा दुनिया का हित कर सकते हैं, वो हमारे मन को शांत कर सकते हैं और परिवर्तित कर सकते हैं। इस तरह से हम सब और अच्छा बन सकते हैं और हमारी दुनिया को अच्छा बनाने, भगवान की सेवा में योगदान कर सकते हैं। धन्यवाद। हरे कृष्णा।